एसटीवी न्यूज सूरत, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं करुणा त्रिपाठी, एसटीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। पूज्य श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी, उपस्थित सभी संतगण, दत्तपीठम के सभी श्रद्धालु अनुयायीगण, देवी एवं सज्जनों, एलरिगु जय गुरु दत्त। अप्पाजी अवरिगे 80ने वर्धंतई संदर्भदल्ली प्रणाम हागू शुभकामनेगळु। साथियों, कुछ साल पहले मुझे दत्तपीठम आने का अवसर मिला था। उसी समय आपने मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए कहा था। मैंने मन तो तभी बना दिया था कि फिर आपसे आशीर्वाद लेने आऊंगा, लेकिन नहीं आ पा रहा हूं। मुझे आज ही जापान यात्रा पर निकलना है। मैं भले ही भौतिक रूप से दत्तपीठम के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हूं, लेकिन मेरी आत्मिक उपस्थिति आपके बीच ही है। श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी को मैं शुभ पल पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, प्रणाम करता हूं। जीवन के 80 वर्ष का पड़ाव बहुत अहम होता है। 80 वर्ष के पड़ाव को हमारी सांस्कृतिक परंपरा में सहस्त्र चंद्र दर्शन के रूप में भी माना जाता है। मैं पूज्य स्वामी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। मैं उनके अनुयायियों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। आज पूज्य संतों और विशिष्ट अतिथियों द्वारा आश्रम में हनुमत द्वार एंट्रेंस आर्च का लोकार्पण भी हुआ है। मैं इसके लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं। गुरुदेव दत्त ने जिस सामाजिक न्याय की प्रेरणा हमें दी है, उससे प्रेरित होकर आप सभी जो कार्य कर रहे हैं, उसमें एक कड़ी और जुड़ी है। आज एक और मंदिर का लोकार्पण भी हुआ है। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, परोपकाराय सताम विभूतय, अर्थात संतों की, सज्जनों की विभूति परोपकार के लिए ही होती है। संत परोपकार और जीव सेवा के लिए ही जन्म लेते हैं। इसलिए एक संत का जन्म, उसका जीवन केवल उसकी निजी यात्रा नहीं होती है, बल्कि उससे समाज के उत्थान और कल्याण की यात्रा भी जुड़ी होती है। श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी का जीवन एक प्रत्येक प्रमाण है, एक उदाहरण है। देश और दुनिया के अलग अलग कोनों में अनेकों आश्रम, इतनी बड़ी संस्था, अलग अलग प्रकल्प, लेकिन सबकी दिशा और धारा एक ही है, जीव मात्र की सेवा, जीव मात्र का कल्याण। भाई और बहनों,
दत्तपीठम के प्रयासों को लेकर मुझे सबसे अधिक संतोष इस बात का रहता है कि यहां आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का भी पोषण होता है। यहां विशाल हनुमान मंदिर है तो 3D मैपिंग, साउंड एंड लाइट शो, इसकी भी व्यवस्था है। यहां इतना बड़ा बर्ड पार्क है तो साथ ही उसके संचालन के लिए आधुनिक व्यवस्था भी है। दत्तपीठम आज वेदों के अध्ययन का बड़ा केंद्र बन गया है। यही नहीं, गीत, संगीत और स्वरों का जो सामर्थ्य हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, उसे लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसे प्रयोग किया जाए, इसे लेकर स्वामी जी के मार्गदर्शन में प्रभावी इनोवेशन हो रहे हैं। प्रकृति के लिए विज्ञान का यह उपयोग, आध्यात्मिकता के साथ टेक्नोलॉजी का यह समागम, यही तो गतिशील भारत की आत्मा है। मुझे खुशी है कि स्वामी जी जैसे संत प्रयासों से आज देश का युवा अपनी परंपराओं के सामर्थ्य से परिचित हो रहा है, उन्हें आगे बढ़ा रहा है। साथियों, आज हम स्वामी जी का 80वां जन्मदिन एक ऐसे समय में मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है। हमारे संतों ने हमेशा हमें स्व से ऊपर उठकर समस्त के लिए काम करने के लिए प्रेरणा दी है। आज देश भी हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सामूहिक संकल्पों का आह्वान कर रहा है। आज देश अपनी प्राचीनता को संरक्षित भी कर रहा है, संवर्धन भी कर रहा है और अपनी नवीनता को, आधुनिकता को ताकत भी दे रहा है। आज भारत की पहचान योग भी है और यूथ भी है। आज हमारे स्टार्टअप्स को दुनिया अपने फ्यूचर के तौर पर देख रही है। हमारी इंडस्ट्री, हमारा मेक इन इंडिया ग्लोबल ग्रोथ के लिए उम्मीद की किरण बन रहा है। हमें अपने इन संकल्पों के लिए लक्ष्य बनाकर काम करना होगा और मैं चाहूंगा कि हमारे आध्यात्मिक केंद्र इस दिशा में भी प्रेरणा के केंद्र बने। साथियों, आजादी के 75 साल में हमारे सामने अगले 25 वर्षों के संकल्प है, अगले 25 वर्षों के लक्ष्य है। मैं मानता हूं कि दत्तपीठम के संकल्प आजादी के अमृत संकल्पों से जुड़ सकते हैं। प्रकृति के संरक्षण, पक्षियों की सेवा के लिए आप असाधारण कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में कुछ और भी नए संकल्प लिए जाएं। मेरा आग्रह है कि